हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से दोस्तों, जैसे आपके यहाँ पे ओप्पो का फ़ोन है और आप अपने ओप्पो के फ़ोन के अंदर स्क्रीन लॉक पासवर्ड को सेट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन लॉक पासवर्ड को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सिंपली दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मेरे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ओप्पो का फ़ोन है। तो ओप्पो के फ़ोन के अंदर सिंपली जैसे कि आपको यहाँ पे स्लाइड डाउन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो सिंपली यहाँ पे जो सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। सेटिंग को क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से करेंगे इसको डाउन और यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेंस का ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेंस का ऑप्शन है सिंपली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड बायोमेट्रिक्स पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो स्क्रीन लॉक पासवर्ड पे क्लिक करेंगे सेट पे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है तो सिंपली दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो सिंपली आपको स्क्रीन लॉक पासवर्ड सेट करने के लिए कोई सा भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आपने स्क्रीन लॉक को सेट कर लेना, यूज़ पे क्लिक करना है और दोबारा से इसको क्रिएट कर लेंगे तो मेरा स्क्रीन लॉक यहाँ पे सेट हो जाएगा। चाहे तो आप फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से बैक कर देना सिंपली, जैसे यहाँ से ऑफ़ करेंगे और यहाँ से जैसे दोबारा से इनेबल करते हैं तो आपको जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन लॉक पासवर्ड आपको यहाँ इस तरीके से सेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे स्क्रीन लॉक अनलॉक करने के लिए जो हमने पासवर्ड सेट किया था एंटर करेंगे तो मेरा यह ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों, अपने मोबाइल के अंदर जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक पासवर्ड को सेट करना चाहते थे तो आपका यहाँ पे सेट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।